हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर जो पहले हफ्ते में क्या क्या रहे, आइए देखें। पांच इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, लेकिन एक एफडीआई इंडिया के रिलेटेड यहां पर थोड़ा डेटा है, वो भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और बिफोर वी प्रोसीड, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि जैसे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, तो डेफिनेटली आप उसको एनरोल करके फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमारा क्रैश कोर्स, प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ क्रैश कोर्स, जो थर्ड ईयर इन रनिंग होगा अभी, एंड प्रीवियस दो सालों में हमने उस पर काफी काम किया, काफी अच्छा रिजल्ट रहा बच्चों के साथ, वो जो 20 जनवरी 2020 को यहां शुरुआत हो जाएगी। संडे तक अगर आप उसको एनरोल करते हैं तो आपको अर्ली बर्ड ₹1000 का डिस्काउंट भी, ऑलरेडी ही वो बहुत डिस्काउंटेड है, 6999 का वो कोर्स है, अगर विदाउट जीएसटी उसमें भी आपको ₹1000 की भी छूट मिल रही है। ठीक है, एंड अगर आप विद टेस्ट सीरीज लेते हैं, इसको विद टेस्ट सीरीज, तो वो 9999 का है, उसमें भी आपको ₹1000 छूट मिल रही है संडे तक। ठीक है दोस्तों, इनॉग्रल ऑफर है जो हम अपने हर कोर्स पर ही रखते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके बारे में, जैसे मैंने वीडियो भी बनाकर डाला था आपको, 88 डेज हैं जो वर्किंग डेज रहेंगे, डेडिकेटेड डेज है, पूरा प्लान वहां बताया हुआ है, स्टैटिक करंट सब कवर किया जाएगा। हर क्लास के बाद एक मिनी टेस्ट रहेगा जिसमें हम अप्रॉक्सीमेटली ट्राई कर रहे हैं कि 1000 क्वेश्चन मिनी टेस्ट के थ्रू सॉल्व कर लें। अगर आप टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करते हैं, 3100 सवाल वहां पर मिलेंगे आपको। प्रीलिम्स अगर हमारा प्रीमिक्स अगर आप देखते आए, 2000 के आसपास सवाल आपने वहां सॉल्व किए हैं डेली, तो अप्रॉक्सीमेटली हम अज्यूम कर रहे हैं कि 5000 से 6000 के बीच में आप सवाल सॉल्व करके अपने एग्जाम में जाके बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, 88 डेज हैं, काफी ग्रूलिंग डेज रहते हैं, बहुत कंटेंट ओरिएंटेड रहता है वो क्रैश कोर्स, ज्वाइन कर सकते हैं आप। 20 जनवरी से शुरू होगा, ₹1000 अभी आप बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसमें जीएसटी एक्स्ट्रा रहेगा, वो आपको वहीं पर ही जो आपको प्राइस दिख जाएगा। बाकी हमारे बहुत से और कोर्सेज हैं एंड पीडीएफ्स वगैरह सभी कुछ हमने अपना जो प्रीमिक्स और अपने प्रीक्योर की अपनी ये जो पीडीएफ को भी अपडेट कर दिया, sleepyclasses.com में कंपाइलेशंस में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आप पर भी आप उनको अवेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे सबसे पहले बहुत ही एक मेजर बड़ी एक अनाउंसमेंट है, प्री के परस्पेक्टिव से इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मेंस के परस्पेक्टिव से अगर आप देखें, एनआईपीपी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान। तो दोस्तों, यहां पर सरकार ने, जैसे अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि 102 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में। ठीक है, 5 साल का ये हमारा प्लान है। एंड वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज, यहां पर जो स्टेट को भी कहा गया कि आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड जो स्टेट की कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद टोटल जो देखा गया है कि 100 लाख करोड़ के आसपास का खर्चा है, फोकस है रोड्स पर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। उसके बाद अगर देखें, अगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम देखें, जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो रहता है, रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम किया जाएगा, एंड पावर एंड इरीगेशन भी यहाँ फोकस में है। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर हमें जो 2030 तक हमें अप्रॉक्सीमेटली, हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने होंगे, उसके बाद ही होगा। थोड़ा एनालिसिस अगर इसका देख लें, इसके फायदे क्या क्या होंगे। तो जैसे देखिए कि अगर हमारे देश में और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आएंगे, पहली बात तो इंफ्रा की कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट कहते हैं जिसको हम, कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो घट जाती है सामान यहां से वहां ले जाने में, बिजनेसेस ग्रो करते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं, देन ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है कि टूटे फूटे खड्डे वाली सड़क नहीं मिलती आपको, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ कि अगर गांव और जो शहर सब जुड़ जाएंगे आपस में तो इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ जाते हो आप, कि अगर गांव से निकलकर भी सर्विसेज अवेल करने शहर आना है तो ये हो सकता है। देन जो सेंटर है, सेंटर अगर जो पैसा डालता है यहां पर, जो सेंटर कुछ पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार को भी अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने का मौका मिलता है, क्योंकि जब गांव-गांव तक कनेक्टिविटी पहुंचती है, गांव-गांव तक जैसे आप जाके देख सकते हैं कि सरकार देख सकती है कि क्या क्या काम हो रहा है, कितना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, सब कुछ की पॉसिबिलिटी होती है। देन हमारे जो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंप्रूव होता है, जब आप इंफ्रा पे स्पेंड करते हैं, इंफ्रा थोड़ा सा अगर लास्टिंग क्वालिटी इंफ्रा है अगर, तो आपके जो क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग अच्छी हो जाती है कि आप लॉन्ग टर्म में उस स्पेंडिंग का फायदा उठा पाते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप देखें, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है कि सरकार फोकस्ड है बिजनेस को अच्छा करने के लिए। एंड देन उसके जो आपके जो एनपीएस वगैरह बनने के जो चांसेस क्यों कम हो जाते हैं, क्योंकि जब सरकार का पैसा लगना शुरू होता है, जब प्राइवेट पार्टी के बियॉन्ड जब गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है, तो हमारी जो गवर्नमेंट की प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के चलते हमारे यहाँ पर एनपीएस बनने के लाइकलीहुड घट जाते हैं। सिर्फ कहां पर, अकेला ही जैसे अगर एक प्राइवेट पार्टी चली हुई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट पार्टी के पास फंड नहीं होता तो सरकार पैसा डाल के उसको बचा लेती है, क्योंकि सरकार के भी वहां पैसे लगे हुए हैं, तो एनपीएस बनने के यहाँ चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इतना सारा पैसा, फाइनेंस इज अ मेजर चैलेंज, लैंड एक्विजिशन जो करना होगा अगेन एक मेजर चैलेंज है ना, ये पॉइंट्स आपको चाहिए जब भी आप आंसर लिख रहे हो। तो देन प्राइसिंग को लेकर, उसके बाद कि पीपीपी अगर आप प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर काम करते हो, कि प्राइसिंग कैसे की जाएगी, कौन कितना कंस्ट्रक्ट करेगा, ऑपरेट कैसे करेगा बनने के बाद, ये चैलेंजेस रहते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज हमेशा ही बनी रहती हैं। देन
हमारे पास जो अभी जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही ऐसे चलते चलते बंद हो जाते हैं, बहुत टाइम तक स्टॉल्ड रहते हैं, एंड उसके कारण जो स्टॉल्ड है उसको जब दोबारा चलाया जाता है या तो उसको बंद करना पड़ता है प्रोजेक्ट को, या फिर वो प्रोजेक्ट बहुत महंगा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ओवर रन। कॉस्ट ओवर रन एक मेजर चैलेंज है अगर वक्त रहते उसको जो पूरा नहीं किया गया। सीमेंट महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, मशीनरी की कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ गई, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी यहाँ पे बहुत धीमी नजर आती है, लोग पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते जो बहुत सारी कंपनीज। एंड देन उसके बाद अगर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो एनपीएस हैं वो बैंक्स को ही बहुत डराते हैं, बैंक्स ही पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते, बैंक्स कहते हैं कि हम इंफ्रा से जुड़े हुए किसी भी प्रोजेक्ट में हमें ना इन्वॉल्व कीजिए, हमारे ऑलरेडी यहाँ पर बहुत एनपीएस पड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, फ्लाईओवर, सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं बनी नहीं, तो ये चैलेंजेस हमें देखकर काम करना होगा। बाकी देखते हैं, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी, उसके बाद अभी क्या निकल कर आता है। देन एसडीजी इंडेक्स हमारे लिए प्री के लिए मेंस के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। एसडीजी इंडेक्स वैसे इसको नीति आयोग ने बनाया था, जैसे आपको पता है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हिंदुस्तान ने भी वादा किया कि हम भी अचीव करेंगे, 17 टोटल 17 गोल्स हैं जो इंडिया ने कहा था 2030 तक हम इनको अचीव करेंगे। जो 17 गोल्स में से अगर हम देखें तो इंडिया ने अपने जो और थोड़े से पॉइंट्स जो बढ़ा लिए इसमें, तो पॉइंट बढ़ाने से मतलब कि हम एसडीजी फुलफिलमेंट के करीब थोड़ा और बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ एक ट्रैक चेक करने के लिए कि अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हम अभी कौन से पड़ाव में कहां पहुंचे, ठीक है। तो वो पड़ाव चेक करने के लिए हमें एसडीजी बनाए गए थे, तो एसडीजी का ये एक इंडेक्स बनाया गया था देखने के लिए कि हम कहां पहुंच रहे हैं। देन इसमें जो मॉस्पी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये डेटा प्रोवाइड करती है, और यूएन भी इसमें इन्वॉल्व है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सी जगह पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन डेटा प्रोवाइड करता है, मॉस्पी करता है प्रोवाइड। मॉस्पी ने दोस्तों, मैम ने वीडियो बना के आपको डाला था, एनआईएफ पर नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, जो एक 100 इंडिकेटर्स का एक फ्रेमवर्क है एसडीजी, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत की प्रोग्रेस कैसे कैसे रही, जो हमारा जो नेशनल जो डेवलपमेंट एजेंडा है जो कि एसडीजीज की लाइन पर ही बनाया गया कि हमारे देश में अगर ग्रोथ चेक करनी है तो, क्योंकि हमारे देश में ग्रोथ चेक करनी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी भी दुनिया की 1/6 जो गरीब आबादी है वो हमारे देश में रहती है, दुनिया भर की जो 1/6 गरीब आबादी, उसको उस पर काम करना जरूरी है कि जब तक वो 1/6 जो दुनिया भर की 16-17% जो आबादी अगर गरीब रह जाएगी तो एसडीजी अचीव नहीं हो पाएंगे ग्लोबली। तो इसीलिए हमारे देश ने भी एनआईएफ बनाया, मॉस्पी ने बना के दिया मॉस्पी, कि इस एनआईएफ को हम ट्रैक करते हैं, नीति आयोग इसमें हेल्प करता है। एंड देन यहां पर 16 जो 17 एसडीजी हैं उसमें से 16 तो हम क्वांटिटेटिवली चेक करते हैं नंबर्स के थ्रू, जो 17वां एसडीजी है 17वें एसडीजी को हम क्वालिटेटिवली चेक करते हैं, उसका हम जो पार्टनरशिप बिल्ड करने वाला, तो उसमें हम ऐसे कोई नंबर्स के थ्रू नहीं देख पाते, ठीक है, कि नंबर्स कैसे हैं, उसको क्वालिटेटिवली देखा जाता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। एंड देन एसडीजी जो हमारा इंडिया इंडेक्स है, एक इस तरह से ये ब्रिज की तरह एक्ट करता है कि एसडीजी जो हमारे यूएन ने हमें बताया कैसे करने हैं, एंड जो बहुत सी सरकारी स्कीम चल रही हैं वो आपस में कितनी कोऑर्डिनेटेड हैं, कितना गरीबी हटाने में काम करती हैं, कितना वुमेन एम्पावरमेंट कर रही हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, उसमें कितना काम कर रही हैं, ठीक है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमें प्रोग्रेस के बारे में वो बताता है। एंड ये 5 P's याद रखिएगा जो कि एसडीजी मूवमेंट के लिए बनाए गए थे, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पार्टनरशिप्स एंड पीस, ठीक है दोस्तों। तो ये जो मेंस में आंसर दिखने में अच्छा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं कि EFTA हमारे यहाँ पे जोन होता है जिसमें 4 कंट्रीज हैं, यूरोपियन FTA कहा जाता है उसको, तो वो EU नहीं मैं कह रहा, मैं यूरोपियन FTA, EFTA 4 कंट्रीज का जोन है, तो उसके साथ भारत ने FTA की बात को और तेज कर दिया है। तो जो यूरोपियन FTA 4 कंट्रीज कौन सी हैं दोस्तों, 4 यूरोपियन कंट्रीज, एक तो आइसलैंड, एक लाइकेंस्टेन और एक नॉर्वे और एक स्विट्जरलैंड, इन 4 कंट्रीज से बनता है EFTA। आपको ये सवाल प्री में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब न्यूज में इसलिए क्योंकि इंडिया ने नेगोशिएशन तेज कर दी है कि हमें आपके साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन करना है, और इंडिया ने एक तो देखिए ये 4 कंट्रीज हैं जो EFTA, ठीक है, इनके साथ, एंड देन एक यूरोपियन यूनियन के साथ भी एक सिमिलर पैक्ट के लिए मुहिम तेज कर दी है। इसको हमने क्या कहा, BTIA कहते हैं इसको, बहुत टाइम से न्यूज में है ये, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट, कि आप हमसे ट्रेड बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। 3 इश्यूज हैं, एक तो सर्विसेज का, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, रूल्स ऑफ ओरिजिन का। अगर IBR का आपको इशू बताऊं, बहुत सरल सा इशू है, स्विट्जरलैंड दोस्तों बहुत सारी वहां पे जो मेडिसिन से जुड़ी हुई फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का हेडक्वार्टर है वहां पर, एंड उनके साथ इंडिया हमेशा ही दो दो हाथ करता रहता है, जो हमेशा ही जो मुद्दों में घिरा रहता है IPR लॉज को लेके, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो कहती हैं कि आप देर तक हमारे पेटेंट्स को एक्सटेंड कीजिए, लेकिन बहुत बार इंडिया ने क्या किया कि जेनेरिक ड्रग्स जो बनाते हैं, जो जेनेरिक दवाइयां बनाते हैं उनको पेटेंट्स हमने पब्लिक कर दिया,
ताकि भारत में जो गरीब जनता के लिए हम जो दवाइयां बना पाए। तो इसलिए जो इसलिए ये एक आईपीआर एक इंपॉर्टेंट इशू है जिस पर अभी नेगोशिएशन चल रही है। देन रूल्स ऑफ ऑरिजिन, जैसे आपको जानते हैं कि आरओ का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंट प्रोडक्ट आपकी कंट्री में बना होना चाहिए। ऐसा हो सकता है ना कि आपकी कंट्री में मान लीजिए स्विट्जरलैंड से हमने पैक्ट साइन कर लिया कि आपके यहां से जो भी सामान इंडिया में आएगा उसको हम जो कोई ड्यूटी नहीं लगाएंगे, लेकिन स्विट्जरलैंड मान लीजिए कि वो सामान मंगवा रहा हो यूएसए से, ठीक है, या फिर वो सामान मंगवा रहा है यूके से, वो सामान मंगवा रहा है बांग्लादेश से, जहां मर्जी मंगवाए, एंड सिर्फ स्विट्जरलैंड वहां पे अपनी स्टैंप लगाए, इंडिया को बेचता रहे, सारा सामान बना कहीं और था, क्योंकि हमारे देश के साथ स्विट्जरलैंड के साथ इंडिया का एक ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, हमने कर लिया जिसमें उनकी ड्यूटी नहीं लगाएंगे। तो लेकिन स्विट्जरलैंड बाहर से सामान मंगवा के इंडिया को बेचता रहे, स्विट्जरलैंड एक तरह का हब बन जाए जहां पर जिस हब का फायदा उठाकर लोग हमारे यहां पर सामान भेजते रहे ड्यूटी फ्री। तो अब इसीलिए रूल्स ऑफ ओरिजिन बनाए गए थे कि कम से कम कुछ परसेंट सामान तो आपके यहां बना होना चाहिए, उसी को ही हम स्विट्जरलैंड का सामान मानेंगे, अदरवाइज हम उसको फ्री ट्रेड के तहत नहीं देंगे। तो इस पर भी नेगोशिएशन चल रही है। बाकी रहेगी बात एक सर्विस सेक्टर की, इंडिया में दोस्तों बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इंडिया चाह रहा है कि इंडिया के जो बहुत से लोग हैं जो वर्कफोर्स है का जो पार्ट है वो जाए वहां पर जो यूरोपियन एफटीए में इन चार कंट्रीज में, एंड इन चार कंट्रीज में जाके सर्विसेज प्रोवाइड करें, इंडिया के लिए पैसा कमाएं। तो इसको लेकर भी यहां पर नेगोशिएशन चल रही है। तो तीन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आईपीआर, रूल ऑफ ओरिजिन और सर्विस सेक्टर, इसका हमें हमेशा ही ध्यान रखना है अपने आंसर्स में। ओके, देन अभी देखें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है अराउंड $2 बिलियन का सामान एंड इंपोर्ट करता है $1.5 बिलियन, थोड़ा सा अभी जो हमारा सरप्लस चलता है यहां पर अगर हम 2018 का डेटा देखें तो, ठीक है। चलिए अब इंडिया और मॉरिशियस भी एक एफटीए साइन करने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया और मॉरिशियस अगर हम बात करें यहां पर पहली बात, तो ये जो एफटीए का मतलब क्या होता है कि जहां पर जैसे हम अगर पहले भी हमने बात करी जहां पर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वो अपनी कोई ड्यूटीज वगैरह जैसे सामान एक दूसरे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उस ड्यूटी को क्या करते हैं या तो हटा देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो ट्रेड बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट आने के चांस भी बढ़ जाते हैं। मॉरिशियस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे लिए देश का वो अभी कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से एफडीआई हमारे कंट्री में आता है, ठीक है दोस्तों। एंड देन मेजर एक्सपोर्ट्स देखें कि जो भारत क्या बेचता है इनको और इनसे क्या रिसीव करता है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में बेचते हैं हम, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ रिफाइनरीज हैं, हम कच्चा तेल खरीद के उसको रिफाइन करके बेचते हैं दुनिया भर में। जो देन फार्मास्यूटिकल दवाइयां बहुत बनती है हमारे कंट्री में, सीरियल्स, कॉटन, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं कंसिस्टेंटली, ठीक है। एंड देन वहां से हम क्या मंगवाते हैं, आयरन एंड स्टील, कुछ पर्ल्स, है ना, कुछ प्रेशियस स्टोन्स और जैसे बाकी और जो छोटी सी चीजें। तो यहां पर भी इंडिया ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। एंड देन यहां पर उसके बाद अभी प्रपोज क्या है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिसमें सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के बियॉन्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन की बात हो रही है। जैसे WTO में आपने पढ़ा था TBT होता है, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, SPS जो फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी वाले जो मेजर्स हैं, ट्रेड रेमेडीज अगर कोई दिक्कत आ रही है ट्रेड में, डिस्प्यूट सेटलमेंट, इसकी यहां पर बात भी हो रही है। टोटल एक कंप्लीट एक हमारा अरेंजमेंट अग्रीमेंट की यहां बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। देन एक वर्ल्ड डेयरी समिट, बहुत एक बड़ी समिट होती है इंडिया में होने की उसकी घोषणा हुई है, जहां पर दुनिया भर से जो इंपॉर्टेंट जो डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे फार्मर्स जो डेयरी के सामान को प्रोसेस करते हैं, रिसर्चर्स जो मार्केट करते हैं, ये आपस में आएंगे, नॉलेज एक्सचेंज वगैरह करेंगे एक्सेट्रा, और गपशप लगाएंगे, चाय पियेंगे। तो उसका जो एक जो इंपॉर्टेंट समिट है दुनिया भर में होती है हर साल, वो इंडिया में 2022 में होने की बात घोषणा हुई है। ऐसे सवाल यूपीएससी को बहुत पसंद है जो बड़े लेवल पे ऐसी कोई घोषणा लेकिन अखबारों के पहले पन्ने पे नहीं आती, ठीक है। जो भारत सरकार ने जो हमारा NDDB है उसको यहां पर जो लगा दिया काम पर कि आप इसको ऑर्गेनाइज कीजिए इंडियन डेयरी एसोसिएशन वगैरह को मिलाकर, 2019 में कहां हुई थी अगर देख लें, इस्तांबुल में हुई थी। देन 2020 में साउथ अफ्रीका में होनी है, 2021 में पुएर्टो रिको, 2022 में हिंदुस्तान में होनी है। तो अभी रिसेंटली ये घोषणा हुई, और चाइना में 2023 में, ठीक है दोस्तों। बाकी एक एक्स्ट्रा यहाँ पे डेटा है हमारे पास, इंडिया और FDI, अभी देखा जैसे न्यूज थी कि हमारे देश में FDI थोड़ा सा बढ़ा है, 15% की ग्रोथ है अगर हम पहले 6 महीने देखें 2019-20 के, तो थोड़ा ही 15% का ग्रोथ दिखाया FDI ने। तो कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा आया, सर्विसेज सेक्टर में, देन कंप्यूटर जुड़े हुए जो, देन टेलीकॉम, देन ऑटोमोबाइल, ट्रेडिंग, ये डेटा था तो थोड़ा सा आपके सामने। एंड देन टॉप कंट्रीज, सिंगापुर कंसिस्टेंटली जो हमारा टॉप सेंडर है, जहां पे मैक्सिमम जहां से हमें FDI रिसीव होता है, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 8.5-8.5 बिलियन डॉलर के आसपास। देन कम्स योर मॉरिशियस, 6.5 बिलियन डॉलर के आसपास। देन USA आता है, देन नेदरलैंड्स एंड देन जापान, ठीक है दोस्तों। तो ये तीन जो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं हमारे यहाँ।
तो बस ऐसे ही धीरे 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 प्लान करते रहेंगे और चीजों को जानते रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई चीजें मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एसडीजी इंडेक्स मेंस प्री दोनों के लिए, और जो ईएफटी है, कौन सी कंट्रीज हैं, क्या क्या हमारे देश में जो चारों कंट्रीज के साथ देश का क्या टेंशन चल रहा है कि क्यों नहीं साइन हो पाता हमारा एफटीए, ठीक है। एंड देन उसके बाद मॉरिशियस के साथ हम कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, वर्ल्ड डेयरी समिट की बात, एफडीए का नंबर्स। तो ये दोस्तों मैं छोटी छोटी बहुत सी चीजें हम कवर करते रहते हैं हर हफ्ते, आप भी पढ़ते रहिए। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज, क्रैश वगैरह सभी में हम और जान लगाने की कोशिश करेंगे और ऑर्गेनाइज कॉन्टेंट देने की ट्राई करेंगे, इसका पार्ट बनिए, मेहनत कर रहे हैं हम भी, मेहनत कीजिए आप भी, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।